Let me just take you through the, you know, key points here. Here he's trying to suggest, आदरणीय खड़गे जी, आपने राजनीतिक मजबूरीवश जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा है कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर हैं। Here essentially JP Nadda is trying to remind Mallikarjun Kharge of the comments that have come in from several Congress leaders in the past for Prime Minister Narendra Modi. He says, and I quote, खड़गे जी, चूंकि आपने अपने पत्र में सिलेक्टिव तरीके से बात केवल राहुल गांधी को लेकर की, इसलिए मैं उसी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा है, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा है, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही है, जिसकी भ्रष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ है, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं। किसी को जान से मारने की धमकी दी जाए, उसके जवाब में ये लिखा जाएगा, कितनी वाहियात बात हो सकती है? इससे ज्यादा वाहियात और बेवकूफाना बात कोई हो सकती है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक है ये आदमी? ये एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का थर्ड डिवीजन का स्टूडेंट लगता है जिस तरह की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? हमारे नेता को जान से मारने की धमकी आप लोग दे रहे हो, उसके बाद इस तरह की हल्की बातें करोगे? राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी आज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल होया।